संघर्ष हमारा नारा है। हम न अपने एरियल के लिए बैठे हुए हैं और आज हमें पूरे 15 दिन हो गए हैं। इधर ही खाना बनाते हैं, इधर ही रहते हैं, इधर ही सोते हैं। हमको इतना मजबूर कर दिया। तो जिनको सफाई के पद पे जो हमारी नौकरी है वाल्मीकि समाज की, वो हमें मिलनी चाहिए। और ये गैर कास्ट के लगे हुए हैं, कोई जाट है, कोई ब्राह्मण है, कुछ नहीं। जाते हम खुद ही अफसरों के पास जाते हैं उठ के, तो उन्हें कहते हैं 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन। 2 दिन पता नहीं कहाँ चले गए इनकी। हमें तो आज़ादी नहीं देना, हमें तो आज़ादी दे देते, अगर हमारे एरियल खातों में डाल देते तो हमें आज़ादी मिल जाती। आज पूरा देश जो है 78वां आज़ादी का पर्व मना रहा है और इस समय हम गोहाणा नगर परिषद के कार्यालय में मौजूद हैं, परिसर में मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज़ादी होती तो अपने घर खाना बनाते और आज़ादी से ये चीज़ें होती। और ये देखिए, आज यहाँ पर जो है ये यहीं पर खाना बना रहे हैं, क्योंकि आज भी इनको लगता है आज़ादी सिर्फ कहने के मायने हैं। अगर आज़ादी होती तो अभी तक इनको इनका हक मिल गया होता। राम राम जी। हम न अपने एरियल के लिए बैठे हुए हैं और आज हमें पूरे 15 दिन हो गए हैं। इधर ही खाना बनाते हैं, इधर ही रहते हैं, इधर ही सोते हैं। हमको इतना मजबूर कर दिया। तो आज तो 15 अगस्त था, छुट्टी का दिन था, आप चले जाते? देख लो ना, बैठे हुए हम 15 अगस्त, हमारी तो क्या होगी जब 15 अगस्त कैसे मनाए। आज़ादी के टाइम पर हमें मजबूर कर रखा, जैसे पुलिस कैदी को बंद कर रखा, इस तरह के मोल कर रखा। तो ये सिर्फ एरियर की बात है आपकी, और भी कोई समस्या है? एक समस्या ये कि इधर अंदर सफाई के पद पे कर्मचारी हैं, हमारे उनकी भी डिमांड रख रखी है भाई, जो जिनको सफाई के पद पे जो हमारी नौकरी है वाल्मीकि समाज की, वो हमें मिलनी चाहिए। और ये गैर कास्ट के लगे हुए हैं, कोई जाट है, कोई ब्राह्मण है, मतलब सारी जाति के। फिर काम तो हर कोई कर सकता, कोई भी कर सकता है। देखो जो झाड़ू की काम तो कोई भी, घर में भी झाड़ू लगती है, इसमें ये नियम घर वालों को नहीं मना करते। जो हमारी नौकरी है एसी कोटी की, वो हमें मिलनी चाहिए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गोहाणा से, जहां पर यहीं पर खाना दाना मनाया जा रहा है। और मैं बता दूं आपको, ये नगर परिषद का कार्यालय है और यहां बाहर जो है ये धरना लगा के कितने दिन हो गए बैठे हो? 15 दिन हो गए। 15 दिन से कोई सहमति नहीं, कोई वो नहीं है, कुछ नहीं। जाते हम खुद ही अफसरों के पास जाते हैं उठ के, तो उन्हें कहते हैं 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन। 2 दिन पता नहीं कहाँ चले गए इनके। तो अभी कोई ऐसा फैसला नहीं लिया आपने कि भाई उस तारीख तक हमारा कोई काम होगा तो ठीक है, ना तो उसके बाद हम कुछ कठोर फैसला लेंगे? अब आएगा चेयरमैन, यो मैडम आएगी, बात करेंगे उनसे, भाई आया तो हमारा कुछ हल निकालो, नहीं तो फिर हम आगे आंदोलन बढ़ाएंगे और अपने भाईचारे को बुलाएंगे। और जैसे ठेके वाले हो गए और जैसे ये MLA हो गए BJP के, इनके घरों में कूड़ा डालना शुरू करेंगे जितने भी। अच्छा, मतलब आप ये फिर जो आपका सफाई का काम है कूड़ा इकट्ठा करके इनके घरों के बाहर डाल, घरों में डाल के आएंगे। जैसे तीरथ राणा हो गया, गिरमाणी हो, जितने भी BJP के नेता हैं, लग्गे बग्गे जितने हैं, वो बिल्कुल नहीं आ रहे हमारे पास, पर हम उनके साथ ऐसा करेंगे जरूर। जो तीरथ राणा के तो बेड पर डाल के आऊँगी मैं। क्यों BJP का नेता हमारी आवाज़ नहीं सुनता? एक दफ़ा भी हमारे पास नहीं आता, हमारे पास नहीं आया एक बार भी जी, ना हमारे को पूछा के। तो चेयरमैन थरियाड़े रन लग गए अभी तो BJP के, तो इनके भी डाल लेंगे। ये नहीं कि इनके, ये कि इनको छोड़ देंगे, हमारी नहीं सुनवाई करेंगे। BJP का चाहे छोटा अधिकारी हो, चाहे बड्डा हो, चाहे कोई उसका जुत्ती ठाण वाला हो नायक श्रेणी का, उसके भी जो गुहाणे के अंदर है उसके सबके घरों में डाल के आएंगे। हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री तो अब सबकी सुनवाई कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री से क्यों नहीं अपील करते? कर आपके जरिए जाने लग रही आवाज, आप पहुंचाने लग रहे, तो उसको उनको नहीं दिखाई दे रहा। कितने कर्मचारी हो आप? 63 कर्मचारी बैठे हैं और कोई नहीं सुनाई कर रहा। 2 दिन कर रहे हैं, वो 2 दिन ही नहीं आ रहे। ललित के पास चले गए, दुर्गा मैडम के चले गए, EO मैडम के पास चले गए, चेयरमैन के पास चले गए, और कोई सुनवाई नहीं। तो ये के कार्रवाई लग रहा है? बनाओ सब्जी था। हाँ जी, हम यही खाना बनाते हैं, यही चाय बनाते हैं, 15 दिन हो गए। घर चले जाओ, घर पे हम कैसे जाए अपनी दरी छोड़ के, हम नहीं जा सकते ना। तो आज का दिन तो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, देश आजाद हुआ था, आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है पूरे देश। लेकिन हमें तो आज़ादी नहीं देना, हमें तो आज़ादी दे देते, अगर हमारे एरियल खातों में डाल देते तो हमें आज़ादी मिल जाती। लेकिन हमें आज़ादी ये दे नहीं रहे ना, हमें 2-4 दिन का लालसा दे दे के यहीं बिठा रखे रखा इन्होंने।
लेकिन वो दो चार दिन कब पूरे होंगे ये हमें नहीं पता, इसलिए हम अपना धरना छोड़ के नहीं जा सकते। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से जो है यहीं पे खाना दाना मनाया जा रहा है। भले ही देश आज 78वां आज़ादी का महापर्व मना रहा है, लेकिन इस आज़ादी के महापर्व में कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो अभी भी अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी तरह से नगर परिषद के कर्मचारी हैं या महिलाएं हैं, माताएं हैं, यहीं पे अपना खाना दाना बना रही हैं। अगर आज़ादी का पर्व का इनको भी आज़ादी इतनी मिली होती, इनका हक इन्हें मिल गया होता, तो ये भी आज अपने बच्चों के साथ अपने घर पे इस आज़ादी के महापर्व को मना रहे होते। लेकिन बड़े दुख का विषय है। और यहाँ देखिए परिसर में तिरंगा झंडा यहाँ फहराया गया है नगर परिषद के, लेकिन ये कर्मचारी इस तिरंगे झंडे के नीचे बैठ करके आज भी अपने आप को ठगा सा और इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि जो हक हमें दिया गया था 15 दिन वो हक मांगते मांगते हो गए हैं, वो हक उन्हें मिल नहीं रहा है। और अगर इन लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर समय से हमारी मांगों का निपटारा नहीं हुआ, मांगे नहीं मानी गई जो भी इनकी डिमांड्स हैं, तो ये उसके बाद हल्ला बोल करेंगे। और गोहाना के जितने भी बीजेपी के लीडर होंगे, हाँ जी, हम रोड पे भी उतरेंगे, कूड़ा भी फेंक खिड़ाएंगे, जो मर्जी मारे होएगा हम वही करेंगे जी। फिर अब तो हम चुपचाप से इसलिए बैठे थे, मैं कहा चलो भाई 15 अगस्त है, सबका त्यौहार है तो आराम से मिले, लेकिन कल से हम ये काम शुरू कर देंगे अपना भाई। तो बीजेपी नेता वाले जो है ना वो चौकन्ने हो जाओ, जितने भी पार्टी से संबंधित नेता हैं, जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि अब ये नगर परिषद के सफाई कर्मचारी वो आपके घर कूड़ा डालने के लिए आ रहे हैं। तो आप अपने अधिकारियों से, अपने नेताओं से, आला कमान से बातचीत करिए और इन नगर परिषद के कर्मचारियों की समस्या का समाधान करवाइए। गोहाना से KNN मीडिया के लिए अरुण कुमार। संघर्ष हमारा नारा है।